boy. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. कहाँ जा रहा हूँ वो ने किया चैनल पे आप सबका स्वागत. तो वेलकम है मेरे चैनल पे आप सबका. तो हम अभी मेगा क्लिनिक से निकल कर, क्योंकि वहाँ कृषिप का वैक्सीनेशन था और वैक्सीनेशन आज दो लगे, तो इसलिए कृषिप थोड़ा सा सैड हो गया. अभी लिफ्ट में चलते हैं. हम आ गए लिफ्ट में और कृषि हाई फाई कर दो. कृषि थोड़ा सा सैड हो गया क्योंकि आज दो वैक्सीनेशन लग गए और इसलिए थोड़ा सा उदास है. और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं, थर्ड टाइम हो रहा है कि कृषि को दो बार, मतलब थ्री टाइम्स कृषिप को इंजेक्शन लगे, वो भी दोनों पैरों पर. इसलिए और हमें पीडियाट्रिशियन से थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कुछ फिल कराना था. तो आपको कुछ ब्लॉग्स के बाद, जब आगे के जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगी इसलिए. और हम अब दूसरे मॉल आए हैं. दूसरे मॉल में ये है पोडियम मॉल, जो नया ही बना है लास्ट ईयर ही. तो यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं, मीन्स लंच करने, और आरव पीछे आ रहा है अपने लॉलीपॉप एंजॉय करते हुए. तो आप देखिए बहुत अच्छा मॉल बना है, काफ़ी अच्छा है. बट मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा काम हमें SM मॉल और अयाला मॉल में होता है, वो उस वाले मॉल में ज़रूरत नहीं पड़ती है. पानी है, पानी वो वॉशरूम में जाके वॉश करोगे ना, तो वॉशरूम में जाओ. और तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको थोड़ा सा मॉल में दिखा देती हूँ. तो अभी आरव जो है वो वॉशरूम गया है अपने हैंड वॉश करने, और हस्बैंड ATM गए हैं. और मैं आपको ऐसे ही बैकग्राउंड में दिखा देती हूँ थोड़ा. ये जो नेम है रेस्टोरेंट की, ये आपको उल्टा शो हो रहा है शायद से, तो आप ऐसे देख सकते हैं. तो यहाँ पे ज़्यादातर फ्लिपिन में आपको हर मॉल में रेस्टोरेंट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और सबसे ज़्यादा मेकअप की शॉप ज़्यादा मिलेगी. आरव को वॉशरूम बड़ा चलना पड़ा ना, तो इसलिए कह रहा है लेफ्ट राइट टर्न होके फिर जाके वॉशरूम आया. और ये रहा आरव, और ये देखिए हमारे छोटे नवाब अभी आ रहे हैं, ATM गए हैं. और कृषिप को नींद आ गई. मम्मी मैं झूठ नहीं बोलूंगी. नहीं आरव, क्यों जाऊँ मम्मी, मैं जाऊँगी. अच्छा जाओ, आराम से जाना. पर और कृषिप है, नींद आ गई. जब भी लंच टाइम के लिए हम आते हैं कृषिप सो जाता है हमेशा, क्योंकि ये टाइम ही उसका होता है सोने का. घर पे तो जल्दी खा लेता है, बट जिस दिन पापा और ब्रदर घर पे हो तो उसको नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों. इसलिए और ये मॉल जो है ना पोडियम मॉल, ये काफ़ी महंगा है. यहाँ सब कुछ इतना कॉस्टली है जिसे आते नहीं है. कहाँ इतना महंगा, वहाँ हर बार ज़्यादा आया नहीं जाता है. तो SM मॉल
काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ती यहाँ पे ऐसे मॉल में चीज़ें मिल जाती है। और ये पीछे चाइनीज रेस्टोरेंट, ये देखो, हाँ तो आरव आ गया अपना राइड लेके। आरव लीव, तो चलिए फ्रेंड्स हम जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं बच्चों के साथ। एक्चुअली मैं ट्राइपॉड लाती नहीं हूँ आजकल, क्योंकि हाथों में ना दर्द ही होने लग गया ऐसे उठा के। थोड़ा हाथ मैंने यहाँ पर रख दिया ऐसे, और आज मेरा जो हेयर स्टाइल है ना वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। वैसे तो हेयर स्टाइल क्या बनाया मैंने, जस्ट ऐसे करके मैंने निकाल दिए थे बाल। और ये देखिए, तो मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा सा व्यू मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे शायद आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर रेस्टोरेंट में हमने बुकिंग ऑलरेडी करा ली है। गाइस आरव ना वहाँ पे हाइड हो गया है, क्यों अब इसका रीजन बताती हूँ। हमने देखा आरव ना वहाँ पर बॉल के वहाँ वसली बॉल पर हाइड हो गया है, क्यों? क्योंकि उसे पापा के साथ नहीं बैठना, क्योंकि उसे पता है पापा के साथ बैठूँगा तो मुझे मस्ती नहीं करने देंगे और सिंसियर होके खाना खाना पड़ेगा, डांट पड़ेगी। इसलिए उसे वही लग रहा है कि बस मम्मा के साथ बैठ के, हमेशा वो मेरे साथ ही बैठता है और कृष्ण वो पापा के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स हम खाना एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। तो फाइनली मुझे ही आरव के पास आके बैठना पड़ा, क्योंकि वो वॉल से बाहर ही नहीं आ रहा था। आरव आप क्यों नहीं मतलब पापा के साथ बैठते हो? मैं पिट्टी, पापा पिट्टी करेंगे और डांटेंगे। देखा उसको बड़ा डर लगता है अपने पापा से। मैं ये मारने वाला चाहूँ। दिस इज नॉट अ नाइफ आरव। हाँ वैसे तो देखो वो जो फॉर्क और क्या कहते हैं बटर लगाने वाला नाइफ रखा था, उसकी जगह इन्होंने ये रख के दिया है। काफ़ी डेंजरस है, अभी हाथ काट देते हैं। नहीं नहीं, तो चलिए हम अपना ऑर्डर मोटोरिनो पिज़्ज़ेरिया ऑर्डर करते हैं, क्योंकि बुकिंग पहले ही करा दी थी हमने टेबल की। देखते हैं क्या खाते हैं, क्या मन कर रहा है खाने का। को चाहिए क्या? मोबाइल, गेम खेलनी है जनाब जी को। उस बच्चों का यही हाल होता है, बाहर आओ और गेम्स खेलो, ये नहीं मामा पापा के साथ इंजॉय कर ले। प्लीज ना दे दो ना। चलो ऑर्डर अपना दो। सब कुछ हो गया, इतू सा पेट और कह रहे कि सारा ऑर्डर कर दो, मैं खा लूँगा। चलो बैठो, हम ऑर्डर करते हैं और मिलते हैं आपसे कब? नहीं, थोड़ी देर में। तो ये देखिए मेरे केयरिंग हस्बैंड, जो काम मुझे करना चाहिए वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। हमेशा खाना वही सर्व करते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं, मेरा आरव का, उसके बाद वो खुद लेते हैं। जैसे ही खाना सर्व हो जाता है तो मैं तो खाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो यहाँ हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि मतलब वेट भी नहीं किया और एकदम से स्टार्ट करने लग गए आप, कम से कम वेट तो करते। और यहाँ मैंने बस अपना स्पैगेटी इंजॉय कर रही हूँ, तो तभी हमारा पिज़्ज़ा भी डिलीवर हो गया। तो जैसे ही पिज़्ज़ा है तो उसमें उन्होंने वेज पिज़्ज़ा की जगह हैम पिज़्ज़ा ला के टेबल पे रख दिया। तो एकदम से मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या। और आरव आया कि मम्मा मैं नहीं खाऊँगा ये हैम पिज़्ज़ा, तो हम तो वेजिटेरियन हैं। तो ये था हमारा स्पैगेटी, ये बहुत यम्मी था, ये ही मुझे अच्छा लगा था सिर्फ। तो ये था हमारा वेज पिज़्ज़ा और इसमें सारे ही कच्चे पत्ते लगे हुए थे। गाइस हम खाना खा के आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर, लेवल 3 पे। और जो खाना था ना, तो
مجھے بالکل اچھا نہیں لگا وہ پیچھے ایریا جیسا, اتنا زیادہ وہ گھاس پھوس تھی اس پہ. تو ہم انڈینس کو کہاں اچھا لگے گا ایسا گھاسا پھوسا والا پیزا, تو مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگا. تو میرا تھوڑا سا موڈ جو ہے نا آف ہو گیا, کتنا بیکار لنچ. پہلے جو لے کے آئے پیزا وہ لے کے آئے ہیم والا, مینس جو سور ہوتا ہے نا وہ ہیم, تو وہ والا پیزا لے آئے, جبکہ ویجیٹیرین پیزا بولا اور ایسا وہ بھی کچے پتے پیزا میں. اور آپ کو کیسا لگا؟ بہت گندا. پسند نہیں آیا کھانا؟ اور آپ کو بھی نہیں اچھا لگا تھا پیزا؟ یہ مشکل سے کہا, اتنا ہارڈ تھا, میں تو لٹرلی دانت نا درد ہونے لگ گئے, اور مینس جبڑے نا بہت زیادہ بہت زیادہ. اور میں نے یہ والا ٹاپ پہنا ہے, کھا کھا کے نا. اور ہم گھوم رہے ہیں مال, تھوڑا سا بس وہی کر رہے کہ مال گھوم کے اس کے بعد تھوڑا آئس کریم کھا لیں گے, تھوڑا ڈائٹ چیز کہتے ہیں نا وہ میٹھا تو ضرور کھا لینا چاہیے کھانا کھانے کے بعد, تو اس لیے ہم آئس کریم کھائیں گے. اور آرو مال یہ کھلا ہے تو اس لیے آرو تھوڑا کھیل کود رہا ہے, دیکھو. اور کشیپ لٹرلی کشیپ جو ہے ابھی تک سو رہا ہے. آرو آ جاؤ, ہاں یار ہاتھ میں تو پین ہونے لگ گیا, آؤ آرو جلدی چلیے تھوڑا. اور جو لپسٹک ہے وہ پیزا کھاتے کھاتے نا اتر گئی. اور ہاں جی ایک بات اور, جو میں نے کل کا بلاگ ڈالا اس میں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ میں نے لپسٹک جو ہے مس کر دی, لپسٹک نہیں لگائی تھی. ہاں تو کل جلدی جلدی جانا تھا پنیر لینے, تو اس ٹائم کون دھیان رکھتا ہے کہ لپسٹک لگا کے پھر جاؤ. زیادہ تر لپسٹک جو ہوتے ہیں میں جب مجھے لگتا ہے میرا لپس ڈرائی ہو رہے ہیں میں تبھی اپلائی کرتی ہوں, ادروائز میں نہیں کرتی ہوں. اور کیا بولنا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹور کی اوپننگ ہو رہی ہے, اسٹور کی اوپننگ ہو رہی ہے. اچھا کوئی سیلیبریٹی آئی ہوئی ہے کسی اسٹور کی نا اوپننگ. جو مال ہے کافی اچھا ہے, کافی زیادہ اچھا ہے, کھلا کھلا اور مست لگ رہا ہے. اور آرو جو ہے ٹوائے کنگڈم میں چلا گیا تھا, ابھی بچوں کو یہی لگتا ہے جہاں ٹوائے دیکھو یا ٹوائے شاپ چلے جاؤ اندر گھس جاؤ. اور میں نے بال آگے کر لیے کیونکہ مجھے نا یہاں پہ ٹھنڈو ٹھنڈو لگ رہی ہے, کیونکہ یہاں کے ایئر کون بڑے ٹھنڈے ہائی ٹیمپریچر پہ چلتے ہیں. تو چلیے ہم جاتے ہیں یہاں پہ نیچے. تو یہ دیکھیے فرینڈس, میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ آئی ہوں, تو آپ کو میں یہاں سے دکھاتی ہوں. یہاں پر ہو رہی ہے یہ شاپ کی اوپننگ, کوئی سیلیبریٹی آئے ہوئے ہیں یہاں پر جو ربن کٹ کریں گے. یہیں پہ کوئی ہے, کوئی ایکٹر ہوں گے. بس ہم ابھی بس آئس کریم کھا کے سیدھا گھر جائیں گے, گھر جا کے کھانا بنانا ہے شام کا, اور نیکسٹ ڈے اسکول ہے. تو چلیے میں اس بلاگ کو اب یہی ختم کرتی ہوں, کچھ زیادہ خاص نہیں تھا اس بلاگ میں, ایسی ویکینڈ تھا. تو ہر ویکینڈ تو میں باہر آتی ہوں, گھر سے نکلنا ہوتا ہی ہے, تو میں نے سوچا چلو آج آپ کو یہ نیا مال بھی تھوڑا بہت دکھا دیتی ہوں. تو
चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, और आप लोगों को क्या करना है देखिए ओपनिंग हो गई है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।